गुड मॉर्निंग। तो अभी भाई वीडियो की शुरुआत हो रही है, कोचिंग पढ़ा के हैं और सोच रहे हैं यहाँ से सिम लेने का। हमें देखते हैं, वोडाफोन 100 रुपये का है, एयरटेल 200 का, जियो 200 का, वोडाफोन ही ले ले क्या? हम सोच रहे हैं वोडाफोन का ही सिम ले ले। तो यही जो है सिम ले लिए VI का, सही है। 2-5 मिनट में काम हो गया, 10 मिनट में चालू हो जाएगा। इतना तेज धूप निकला है कि पहने तो गर्मी हो गया, अब मुझे नहीं लग रहा ठंडा पड़ेगा। अब तो धूप निकल गया, बढ़िया बढ़िया धूप निकल रहा है। और जगह अब सुनने में आ रहा है कि खूब ठंडा पड़ रहा है, लेकिन हमारे यहाँ भाई बल्लिया में नहीं ठंडा पड़ रहा है। सरांश पता है कहाँ है? रेत कौन है, ये कौन है, ये गायब बाबे? 2 बजे से ही देखो लाइट गायब है, अभी तक लाइट आया नहीं, 10 के ऊपर ही हो रहा है। आई थी अच्छा, फिर भाग गई का तुरंत, तब आएगा हो सकता है कि, लेकिन कहीं कहीं पर हड़ताल चल रहा है बिजली का। चलो, एक सुबह से कटी हुई लाइट तो आ गई है, 11:15 बजे ही आ गई। तो हम चलते हैं अपना सिम लगाते हैं पहले मोबाइल में। ओ ओ ओ, ओ कई सारे लोग कह रहे थे कि हीटर से दूर रखिए इसको। तो हीटर खाली चलता है जब मतलब वो बस इसका मालिश होता है तब, बस बाकी हीटर बंद रहता है हमेशा, है ना? ओए दोस्तों, मैं पहली बार आपको अपने चैनल पे किसी सिम की अनबॉक्सिंग दिखा रहा हूँ। क्या करूँ, कुछ बड़ा बड़ा चीज़ का अनबॉक्सिंग नहीं हो रहा है तो क्या करें, छोटी ही चीज़ का अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। इसको पहले इतना बढ़िया से ये लोग चिपकाते हैं कि इसको फाड़ते फाड़ते हालत ख़राब हो जाती है, और फटने के बाद भी ये निकलने का नाम नहीं लेता है। ओहो, चलो इसको तो हमने फाड़ दिया। ये ऐसे फाड़ के इसको निकालते हैं, और इसमें से निकलता है टन टनाता हुआ सिम। इसमें जो है कई सारे पोर्शन दिए हुए, जो भी सिम लगाना, छोटा बड़ा चौड़ा वाला। पहले तो हम लोग ये बड़ा वाला लगाते थे, उसके बाद फिर छोटा, और फाइनली एप्पल के फोन में सिम गायब। तुम लोग पता नहीं चलता क्या मंगाते हो। अरे मैं तो कुछ अगर अमेजोन से चाहे फ्लिपकार्ट से मंगाता हूँ तो मैं इंतजार करता हूँ कब आएगा, रोज देखता रहता हूँ मैं। अब तुम लोग इतना मंगा लेते हो कि पता ही नहीं चलता कि क्या नीचे आया है। एक छोटा सा भी सामान मंगा लूंगा ना, 50-100 रुपए का मंगा लेता हूँ तो मैं परेशान रहता हूँ कब आएगा, कब मिलेगा, कब लूंगा, और ये लोग का हमेशा नीचे आया रहता है। दीजिए भैया, दीजिए दीजिए, देखो यही सामान इनका आया है। अब मैं दिखाता हूँ इनकी पैकेजिंग दिखाता हूँ, रुक जाओ। ये देखो कितना बकवास पैकिंग किया है सामान तुम्हारा, देखना ये देखो यही पैकेजिंग है। इसमें से ये मान लो ये जो तुम्हारा ये छोटा वाला ये चीज जो है ये गिर जाए तो देख लो क्या क्या आया है आज, क्या क्या उसमें आज दिखा रहा है, वही चीज है कि नहीं इसमें। ये है एक, ये है देखो, ये देखो यहाँ से फटा हुआ है, ऐसे गिर जाता है ये टन से। अब जल्दी जल्दी खाना खा लो, जल्दी खा लो। तुमसे अच्छा देखो तो वो बिट्टी आराम से खा के सो गई। चल दिए भाई मैं भी खाना खाने के लिए, सब्जी आलू गोभी सब्जी भुजिया और चटनी दाल। अब आज से इस पे सोएगी बिट्टी, सोएगी ये बाबू का चरपाई जो है, अब बिट्टी ले ली, ठीक है, अब बिट्टी सोएगी इस पे, ठीक ना? हाँ, तुम बड़े वाले पे सो, बिट्टी अब छोटे वाले पे सोएगी। देख रहे हो इसको, देख रहे हो बदमाशी कर रही है ना, बदमाशी कर रही है ना। पिंटू आ रहा है, अभी आएगा पिंटू। और कौरी देखो करो बदमाशी, भैया मारी तो भैया, मर इसको, मर चरांस। हम लेते हैं अपने लिए दही और चिवड़ा, ये हो गया चिवड़ा, लेंगे थोड़ा सा, ज्यादा नहीं थोड़ा सा, और लेंगे तिलवा। भैया ये तिलवा है कि हालत खराब, इतना टाइट टाइट तिलवा है क्या बताया जाए। पिंटू कब आइला, ए इतना लजाए लगल हो, गौवा जाते 3 दिन में लजाए लगल। तू आवे के मन करत रहल कि ना, कौन आया सरांश? पिंटू आया है, अब पिंटू आया है। पिंटू आवे के मन करत रहल कि ना? हाँ, अरे बाप रे बाप, दांत टूटल बा देखो। अब नहीं खाएंगे, कितना भी ले लो ना तो मन ही भर जाता है इससे, थोड़ा सा लो तो भी मन भर जाता है, ज्यादा लो तो भी मन भर जाता है, अब नहीं खाएंगे। लाओ एल्बम देखा जाए, तुम्हारा लाओ बचपन का एल्बम।
पल वक लेके आइल बड़ी लोग वह तो खिचड़ी उचड़ी लेके आइल बड़ी लो तार खिचड़ी आ गिल का अरे वे देख ला खिचड़ी आ गिलो ये एल्बम देखो भाई किस ये ऐसे ही क्या करा ये है और ये बिट्टी दोनों का चेहरा मिल रहा है असर को भैया का फोटो है तब मिला के देखा आलू लाना है मिर्चा लाना है गाजर लाना है मटर नहीं एल्बम देख लिए लो भाई जो भी लेना था सब्जी उब्जी तो ले लिए हैं अब चलते हैं जी देखो क्या लाए हैं बनाने आता है ना कहा सरल गोभी बने ले बड़को वो गोभी बा ना ये गोभी लेके बा कि ना तो सरल गोभी तो कबो आज ले ये सरल गोभी तो कल गए थे हम वहाँ पे क्या कहते हैं भारत मेडिकल पे तो वहाँ पे एक दवा नहीं था वो बोले कि आज सुबह में ही बुला दिए थे कि 11 बजे आ जाइएगा लेकिन अब जा नहीं पाए थे आज दिन में तो अभी जो है निकलते हैं और चलते हैं वो दवा ले लेते हैं थोड़ा सा जो कल दवा नहीं मिली थी उसके लिए आए थे तो मैम लिखी है 30 दिन का दवा लिखी है लेकिन मैंने जब भारत में मैंने पूछा तो इन्होंने बोला कि यार 30 दिन तो बहुत लंबा समय हो जाता है इतना लंबा नहीं चलता है दवा आप देख लीजिए हफ्ता 10 दिन का दिए बोले हैं कि आप देख लीजिए फिर उसके मैम से पूछ लीजिएगा फिर उसके बताइएगा बढ़िया है दुकानदार ऐसे ही होने चाहिए तो दवा हुआ सब ले हो के हम चल दिए वहाँ से और सीधे आए हैं भैया मंजीत भैया के दुकान पर आज मंजीत भैया के कोई दोस्त है जो पार्टी देने वाले हैं हम लोगों को वो बोले हैं आज जोमेटो से जितना आपको पार्टी करना है पार्टी हम लोगों को मिलने वाला है पार्टी मिलेगा ना मिलेगा कुछ दिन पहले एक दिन चिकन बनाकर रात में हम लोग 11-12 बजे तक खा के गए थे वहीं पर सब ऑर्डर किए हैं खाना वहीं पर चलते हैं देखो हम लोग कहाँ पे हैं ये देखो सामने रेलवे रेल खड़ी है पता नहीं कौन सी ट्रेन खड़ी है और यहीं पर सामने इस वाले घर में यहीं पर पार्टी है भैया हम लोग खाना भाई ऑर्डर हो गया है अब हम लोग जो है यहाँ पे खाना खा रहे हैं तो आप देख लो भाई सभी लोग खाना खा रहे हैं बाबा जी कैसा है अच्छा है अरे अरे बाबा वाह तो पनीर हांडी मंगाएगा तो सब कुछ अच्छा लगेगा ही जी देखो पहले ही अपनी गाड़ी स्टार्ट कर लिए हैं अरे रुकिए चल रहे हैं हम लोग भी बाबा जी रुकिए चल रहे हैं हम लोग भी हुआ कुछ ऐसा था कि भाई जी का कूपन था जोमेटो पे तो उन्होंने ऑर्डर किया था पूरा खाना आज भाई साहब मजा आ गया खा के मुझे लगा 1300-1400 का खाना था ऑर्डर किया और आज खा के मजा आ गया तो बज गया 12:30 पूरा बलिया सो गया है इस टाइम पर देख लो पूरा मार्केट खाली खाली सा है भैया पूरा बंद दुकाने तो घर पे तो सभी लोग खा के सो गए रात में पहुंचे हैं 12:30 तो इस टाइम तक तो कोई जगह नहीं रहेगा सब लोग खा के सो गए फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं ब्लॉग अच्छा लगा लाइक कीजिएगा चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा मिलते हैं जल्दी आपको कल के ब्लॉग में आज करते हैं गुड नाइट